कटाक्ष करने से पहले आज के जो रसिया रिकॉर्ड हो रहे हैं शायद जैन साहब जीएस म्यूजिक के द्वारा हो रहे हैं, मुझे लगता है जीएस म्यूजिक सेंटर हमारे सौरभ भाई और हमारे भाई अखिलेश जी पर आप हम सब मिलकर के इनको एक बधाई भी देंगे, क्योंकि हमारे स्टूडियो वाले और मेरे भाई अखिलेश जी पर एक एक बेटी के बाद में एक एक बेटा हुआ है। तो आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलते हैं रसियाबाजी की ओर। एक छंद गाया उधर से, यज्ञ का घोड़ा खूंटा कट रहो है, न जाने क्या क्या उस यज्ञ में लेकर के आए उसमें छंद में, और इन्होंने कहा कि दो पक्ष दे रहे हैं, या तो राम का पक्ष ले लेना और या लक्ष्मण का ले लेना। अखिलेश भाई बुद्धि के अनुसार, क्योंकि रसिया वाला कवि कोई नहीं मानता है कि मेरा जवाब हो गया, लेकिन आज का तो ये फैसला जनता करेगी कि जवाब हुआ है छंद का नहीं हुआ। तो से चाचा लक्ष्मण के जवाब से छंद का जवाब दिया जाएगा इनका। और आप लोगों ने देखा होगा भेंट वंदना कार्यक्रम में मैं गा रहा था, दीन दयाल उपाध्याय जी जिनने कियो जग में नाम, चंद्रभान नगला की भूमि को मेरा बारंबार, यही गाया था मैंने भेंट वंदना में। और उधर से इसी चीज को मेरे बड़े भैया टुकड़ी बना करके ला रहे हैं, चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल, कियो है नाम और सत सत करूं प्रणाम। अब बताइए मेरी कविता में और इनकी कविता में अंतर क्या रह गया? श्रद्धांजलि सुनाई जाएगी उपाध्याय जी की, कायदे और तरीके में सुनाई जाएगी। इन्होंने उसी दुआ को मेरे को सुन करके और उसी धुन में ढाल लिया है, ये काबिलियत है बड़े भाई की। इधर से एक आपने देखा होगा, सार देखो दीनदयाल धाम में, प्यार देखो दीनदयाल धाम में, आप लोग कुछ समय पहले सुनते थे हाथरस से बड़े भाई रामवीर जी सीपल सो गांव में गाया करते थे इन्हीं लाइनों को, और वही लाइन इन्होंने दीनदयाल धाम में आज सुना दी। अखिलेश भाई बाबा चुर्री सुनो, पहले तो मेरे दो एका इन्होंने गीत बना करके टुकड़ी बना करके उन लाइनों को उड़ाया, और फिर सीपल सो गांव में उनको यहां दीनदयाल धाम बना करके इन्होंने गाया। इसका मतलब यह कि बस्ता खाली है। इधर से एक बैरगाई बड़े भाई ने, शंकर जी की कहां बन गए काली, आकाश बाबू इसी इसमें एक गीत भी तुम्हारे पापा गाया करते थे, उसको गा गा करके शर्मा जी दुनिया से अंतिम विदा लेकर गए, आज वो अच्छी जगह पे हम लोग यहां पर भटक रहे हैं दुनिया में। इस चीज का जवाब हमारे पवन गुरु उस तरीके से दिया करते थे, आज भी उसी हिसाब से इस चीज का भी जवाब दिया जाएगा। एक गीत बड़े भाई साहब ने बहुत ही सुंदर गाया है कि पति बंदूक चलाए रहे हो वो भाभी एकदम प्यार के मारे मरी जा रही है, वो भाई खबर ना ले रहो, बिल्कुल चिंता मत करो, दोनों ही सभी चीजों का और बकवास बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि कायदे और कानून के अंदर ये दंगल हो रहा है, बिल्कुल हिसाब किताब से दंगल होगा, बिल्कुल बहुत बेहतरीन तरीके से दंगल होगा। देखेंगे आप लोग गुरु अंबिर शर्मा जी की ओर से आगे। भैया अखिलेश बहुत कछु ऐसी मालूम पड़ रही है, जाए पढ़े ले आए हो कहू दो टाइम। अरे बॉर्डर पे बंदूक चलाई जाती है क्या? तोप चलाई जाती है, है? तोप चलती है, बंदूक कौन पूछ रहा है? चिंता मत करे, आज तेरे बॉर्डर पे तोप जरूर चलेंगी, काऊ के पे चली हो या नहीं चली हो। हाँ साहब देखेंगे जवाब। इधर से छंद गाया, घोड़ा बांध ले खूंटा ते अब ले मूछ मुड़ा के तुम, और असल बाप को अंश है तुम में तो ले जाओ आज छुड़ाए के तुम। देखेंगे जवाब इधर से। अखिलेश भाई छंद तुमने चाहे किसी के सामने गाया हो, लेकिन आज तेरे छंद के टुकड़े टुकड़े उड़ा करके इस जनता में नहीं उड़ाए तो मेरा नाम अमीर शर्मा नहीं बोलते। बिल्कुल देखे जवाब इधर से। कोई ता
इधर से लक्ष्मण के जवाब से इनके छंद को लड़ा करके लाया हूं और उधर ये लवकुश है। देखिए जैसा कि हमारे गुरुजी का हमको प्यार मिल रहा है, ये 501 रुपए का पुरस्कार भी आशीर्वाद ही मिल रहा है और ये जगमोहन पाठक जी की तरफ से दीनदयाल धाम वालों की तरफ से 501 रुपए का पुरस्कार आया है और ये 501 रुपए भरत चौहान गांव वाले इनकी तरफ से इनाम आया है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें सभी लोग। और अभी तो तुम बच्चे हो, देखें लवकुश कैसे है, बारे वाला लवकुश हो, पल्ली तरफ तक बास मार रही है तुम मुझे। अब मैं तुमसे कैसे लवकुश कहूं, जवाब देखें छंद का। तान तोड़ रे खाम खा, अरे कोई तान तोड़ रे खाम खा, और ना चलने तीर कमा। ऊंची भरो उड़ान, ऐलान कितने हो बलवान बेटे, आज लिखते लिखते तुम्हारी कलम घिस जाएगी। अब देखना क्या होता है। कहने लगे लक्ष्मण जी, अरे कोई घोड़ा सीना से सीना जुड़ाए के हम, ये घोड़ा बिना लिए नहीं जामे, सीना ते सीना जुड़ाए के हम। ये तो कह रहे थे कि ले जाओ छुड़ाए के तुम, और देखें जवाब इधर से, अरे ते सीना से सीना जुड़ाए के हम, और शर्म कर रहे कछु बच्चन की, नहीं देते धूले। शर्म कर रहे कछु बच्चन की, नहीं देते धूल उड़ाए के हम, और देखे अगर क्या होता है। अरे घर है दूर वो चंद जी, भैया परशुराम जी, ये उम्र शर्मा की कलम है और देखे हैं आगे क्या होता है। अरे विरोध करो रे काम विरोध, अरे काम विरोध करो, अरे लव कुश हो ले लव कुश, तुम तो नियम नीत के काम खुल जाएगी और ताकत सारी
धुल जाएगी। एक एक शब्द देखना बेटे इधर से। अरे कोई चले नहीं जो सतमार्ग पे, बल मर्यादा खुल जाएगी। और बल मर्यादा खुल जाएगी। और प्यार चाहूंगा अगर मेरी लाइन आप लोगों को पसंद आए कि वाकई में लक्ष्मण के जवाब से और लीक पे तौर तरीके से छंद हो रहा है। अरे कोई चले नहीं जो सतमार्ग पे, तो बल मर्यादा खुल जाएगी। अरे अगर धर्म पे जो पैर अड़ावे, तो जय जयकार धर्म की। काहे क्रोध करो और नियम विरुद्ध करो। अब आगे लिखना। हाँ जी मां साहब, अभी एक मसाल लगाओ, फूल आहिस्ता फेंको। भाभी जी की बड़ो प्रेम भाई, निकल के उमड़ उमड़ के बाहर आ रहो। भाभी जी को निकालो मसाल, फूल आहिस्ता फेंको। इसी धुन पे एक मेरा गाना बहुत अच्छा चल रहा है भाई साहब, आपने सुना होगा। देख, अरे आई कौन को राजा, अरे आई कौन को राजा, जो बन भरी रहो मस्त जवानी को। अब ज्यादा ना बोलियो तुम, जो बन भरी रहो मस्त जवानी को। अरे मेरा हुस्न बगीचा मांग रहे हो फुब्बारो पानी, छोड़ बेटा न बातनो। अरे फूल आहिस्ता फेंको, ये फूल बड़े नाजुक होते हैं, करें जो औरों को घायल, वो खुद ही घायल होते हैं। फूल आहिस्ता फेंको। हाँ जी, एक एक चीज का जवाब इधर से होगा। छंद का जवाब आप लोग देख रहे हैं, गीत का जवाब आप लोग देख ही रहे, चल ही रहा है। एक चीज और गा रहे थे चाचा जी, रसिया होए आर पार धुआंधार, बरस रहे है प्यार दीन दयाल धामों में, यही बात थी। और इधर से गा रहे थे, बोल दिए जय जयकार दीनदयाल धाम में। अखिलेश भाई, एक से एक रुपए का पुरस्कार सूबेदार श्रीनिवास पाठक जी नगला चंद्रबान वाले, और 51 रुपए का पुरस्कार हमारे बहुत अच्छे गायक कलाकार, मजे हुए कलाकार, हमारे साथी कलाकार हैं भाई योगेंद्र जी, दोनों की तरफ से पुरस्कार आए। एक बार जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करें सभी लोग। अब कभी तो कैसे लड़ाया जाता है, आप लोग मेला में घूमे हैं, और अगर मन से घूमते तो शायद है कि कविता में और बढ़िया बढ़िया चीज आ जाती। अब कहना है, अभी आप लोगों ने देखा था बच्चे रंगारंग कार्यक्रम कर रहे थे यहाँ पे। अरे जाए ना आंखी अनोखी ये झांकी,
जाए ना आंखी अनोखी ये झांकी, जाए ना आंखी अनोखी ये झांकी, अरे जाए ना आंखी अनोखी ये झांकी, और झांकी को सार देखो दीन दयाल धाम में, झांकी को सार देखो दीन दयाल धाम में, झांकी को सार देखो दीन दयाल धाम में, झांकी को सार देखो दीन दयाल धाम में। निरंजन गुरु दूर दूर से कलाकार लाए हैं कला निखार, दूर दूर से कलाकार लाए हैं कला निखार, प्रदर्शनी निहार देखो दीन दयाल धाम, प्रदर्शनी निहार देखो दीन दयाल धाम, प्रदर्शनी निहार देखो दीन दयाल धाम। प्रदर्शनी लग रही है मेले में, तमाम राज्य के तमाम कलाकार दूर दूर से आए हुए हैं, हमारे पास के भी, मथुरा के भी, और नंदला चंद्रभान के भी कलाकार यहाँ पर मौजूद हैं। अगर आप ढंग से देखते तो शायद और बढ़िया चीज ले आते। दूर दूर से कलाकार लाए हैं कला निखार, प्रदर्शनी निहार देखो दीन दयाल धाम में, प्रदर्शनी निहार देखो दीन दयाल धाम में, प्रदर्शनी निहार देखो दीन दयाल धाम में, प्रदर्शनी निहार क्यों तुम गए हो भूल पढ़ने को स्कूल, स्कूल रे अरे क्यों तुम गए हो भूल पढ़ने को स्कूल, भविष्य का निखार देखो दीन दयाल धाम में, भविष्य का निखार देखो दीन दयाल धाम में, भविष्य का निखार देखो दीन दयाल धाम में। सत्य बात है गलत बात है आप लोग हाथों उठाकर के समर्थन करेंगे? जहां पर हमारे आने वाली पीढ़ी को तराशा जा रहा है, और अखिलेश भाई भोजन तो तुम स्कूल में बैठ के करे आए, लेकिन नजर तुम्हारी स्कूल में होना ही, भविष्य का निखार देखो दीन दयाल धाम में, अरे क्यों तुम गए भूल पढ़ने को स्कूल, भविष्य का निखार देखो दीन दयाल धाम में, भविष्य का निखार देखो दीन दयाल धाम में, भविष्य का निखार देखो दीन दयाल धाम में। और अंतिम बात अगर अच्छी लगे तो तालियों का प्यार चाहूंगा, भविष्य का निखार देखो दीन दयाल धाम में, कलम की पेनी धार कविता को देखो सार, कलम की पेनी धार कविता को देखो सार, नीचे डार जाए नार दीन दयाल धाम, गारी दर्ते दे मेरा फोन पाया, मेरा फोन पाया, सुच ऑन फोन सुच ऑफ बताए रहो, तेरा चिंता मत करे, तेरे जा संदूक को सब इंतजाम है। अब देख जवाब सुनो और एक एक जवाब पर ताली देखियो जनता की, बदल दई अपनी रे, कत्ते ने समय अपनी बदल दई, मिलो ना तेरा मैच, और के टावर या फिर तेरा फोन करे काऊ और के टावर। अरे छोरा छोरा तो भारत माता की सेवा में लग रहा है, है? और तेरी बड़ी जो राजधानी खुली खुली डोल रही है। अरे शर्मा जी तू लाली वैसे ही 4 साल की नौकरी है गई है। अब जवाब सुनना दे, पति मेरा तोप चलाए रहे, अब जवाब दे, तू रानी तू नारी नाए खानदान, नारी नाए खानदानी, तू नारी नाए खानदानी,
परेशान कर रही है फौजी है, है? बार बार परेशान कर रही है। अरे ऐसी नारी भाई देश में जो सबके दिल में समाई गई है, जो सबके दिल में समाई गई है, जो सबके दिल में समाई गई है। और झांसी वाली जैसी देखो जब देश पहचान गवाएगी, झांसी वाली रानी बोजा देश पहचान गवाएगी। लेकिन बाकी तो जवानी फटी जा रही है। अब देख जवाब सुन कि तू अरी नारी ना तू खानदानी, तेरी बात न मोकू भाए रही है। अरे नारी ना तू खानदानी, तेरी बात न मोकू भाए रही है। अरे रानी ना तू खानदानी, तेरी बात न मोकू भाए रही है। और अरे तू है बेशर्म जनानी, अरे तू है बेशर्म जनानी, पानी में आग लगा रही है। सुभाष बाबू जी विजय राव जी के दामाद हैं और 101 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं दाऊ जी वाले। आप लोगों से पहले ये पूछूंगा भैया, भोजन को जवाब सही है रो है। दे अरे नारी ना तू खानदानी, तेरी बात न मोकू भाए रही है। तू है बेशर्म जनानी जो पानी में आग लगाए रही है। संजू लाला अखाड़ा बीता बाबू वालों की तरफ से आया है, आशीर्वादी कामना करूंगा। और जो जो पुरस्कार है, पुरस्कार आ रहे हैं, जवाब पक्ष हो करके एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करते रहे सभी लोग। अब जवाब सुन, बिल्कुल सटीक जवाब होगा पहलवान जी। अरे कॉल पे कॉल पे कॉल कर दिल जलावे मती, कॉल पे कॉल कर दिल चलावे मती। अरे कॉल पे कॉल कर दिल चलावे मती, मेरी रानी पान अरे मेरी रानी आग पानी में लगावे मती, मेरी रानी लगावे मती। और देख धड़कन मेरे दिल की बढ़ावे मती, अरे धड़कन मेरे दिल की बढ़ावे मती। अरे तू है जानी की दीवानी, तू है जानी की दीवानी, तू है जानी की दीवानी। जवानी की दवानी चो है, माठिया तो तोफ और टैंक चलते हैं, लेकिन ये क्या कर रही है? जे है जवानी की दीवानी, बॉर्डर पे बंदूक चलाए रही है। जवानी की दीवानी बॉर्डर पे बंदूक चलाए रही है। ये है अरे ये है जवानी की दीवानी, जवानी झोंका खाए रही और आज दे। अरे आज पूरी ये जनता, अरे आज पूरी ये जनता भारत माता को जयकारो लगाए रही है। बोलिए भारत माता की।
बातन मन को भाए रही है। बेशर्म जनानी जो पानी में आग लगाए रही है। देखिए इनके कविता का जवाब हुआ, गीत का जवाब हुआ, छंद का जवाब हुआ। बड़े भैया केवल एक जवाब बचा है, वो है बैर का। अगर आपकी इजाजत हो जाए तो दो लाइन भैया के लिए मैं भी दे दूं। मां साहब धुन लगाएंगे, जिए मरेंगे यार दुनिया याद करे, केवल दो लाइन, उसके बाद में इनकी बैर का जवाब और एक गीत आप इधर से सुनेंगे। हाँ जी अरे हम ऐसे करेंगे प्यार की दुनिया याद करे। खेलो जो चौपर सार हो, अरे मोते खेलो जो चौपर सार, अरे मोते खेलो जो चौपर। यानी गुरुदेव पांडवों का जुआ सबने सुना होगा, लेकिन बेटा वह तो करण शर्मा बताऊं मैं। पांडवों का जुआ सबने सुना होगा, लेकिन ये एक कहानी बिल्कुल अलग है। मोते खेलो चौपर सार, मोते खेलो चौपर सार, ओ नीच निकम्मा है। मोते खेलो जो चौपर सार, ये नीच निकम्मा है। और पूछना केवल इतना है, मोते शर्म उतार हार गयो। जान धरदई शर्म उतार हार गयो। अम्माए अम्माए अब आगे क्या हुआ? अरे बचन मुताबिक डोली मेरे घर पहुंचाई है। वचन मुताबिक डोली जाने मेरे घर पहुंचाई है। अरे फिर जाकी अम्मा बन गई मेरी खास। फिर जाकी अम्मा बन गई इनकी खास लुगाई। भाई जेव कह रहे हैं कि लुगाई मैं ही बन गई, तुम कह रहे हैं मैं ही बन गई। बोन के चाचा आए, चक्कर ही ना भर रहो तो मेरी कैसे बन सके? मेरे भाई बंधु हैं वो, इतनी गलत सोच नहीं है मेरी। अब कहना है
शायर तू सुनना आज और देख लगा कर कान, क्योंकि उल्टे सीधे यहाँ पे तू मत करियो व्याख्यान। उल्टे सीधे यहाँ पे तू मत करियो व्याख्यान। अरे तो ए, उके सब संसार तो उके सब संसार तू बन्यो हरम्मा है, खेलो चौपर सार हार गयो सेना किनारों कर जाएगी। अरे हो कोई मूछ मुछारो बाकी और ताकत सबरी कर जाएगी। अब लाला जी योगेंद्र भैया गुरुदेव काफिया किस तरीका से घटा के लाया जाता है, यही काम हमारे पवन गुरु किया करते थे। अरे बीधा बाबू के दंगल में पैरग भजन करे जंगल में, अरे कह गए पवन गुरु मंगल में मतना पोते। बुद्ध करो, इनका एक जवाब और रह गया भैया, एक बैर और उसके बाद में एक गीत आप इधर से सुनेंगे, हम सब बैर लगाएंगे फटाफट। अरे बंगला ऊंचे पे बनवा ले तू गोपाल, ऐसे सुने ओ कनागत चल रहे भाई साहब, बुरो मत मानियो, कह दू गुड्डे बुरो मत मानियो भाई देख। अरे अपनी चल लठिया में लगा के बैठो खेलो, क्वार को महीना चल लो है कुतिया कुत्ता खूब ठोल रहे देख, और बाबा भाई लठिया लेकर तैयार बैठो है कि कुत्ते आवेगी। अरे अपनी बेइज्जती हो रही भाई साहब हमारी, कोई बात नहीं है देख बेटा। अरे अपने देखिए बिल्कुल एक मिनट एक अरे जैसा आप चाहोगे वैसा ही होगा नहीं होगा पंडित जी कह कर जानो। अरे
अरे होगा, जनता से बड़ी अदालत किसी की नहीं होती। देख पर बंगला ऊंचे पे बनवाले तू गोपाल, नेहरी आई रही जमुना। देखिए जनता आनंद ले रही है, कोई भी भद्दा शब्द रात भर में नहीं आएगा। रसिया वाले जो कुछ गाते हैं, बड़े भैया जो कुछ गाते हैं कि मैं भीतर तक दे दूंगा या बाहर चीर कर दूंगा या धर दूंगा, ये नहीं, केवल सभ्यता में रसियाबाजी हो रही है। और पहलवान जी मैं आपसे निवेदन करता हूँ, देखिए हम आपके बच्चे ही हैं, आप ही आनंद लो और सबको आनंद लेने दो। और इधर से गुरुदेव, चलता रहे बेटा, ये तो पुरानी बात है, जब ऋषि मुनि लोग यज्ञ करते थे तो उसमें कुछ व्यवधान करने वाले भी आते थे। एक गीत आप लोग इधर से सुनेंगे, एक बैर का जवाब। बड़े भैया कह रहे हैं कि कहां पे शंकर ने धरो है काली रूप, कर रहे ये पूजा नर नारी। तो ये आकाश बाबू आपके पिताजी भी इस चीज को बहुत गाया करते थे और हमारे पवन गुरु ने उस चीज का जवाब भी दिया था, उसी हिसाब से आज यहां भी जवाब दिया जाएगा। कहना है एरे भर के तन के अंदर देख क्रोध को कूप, इन्होंने कहा है काली रूप तो हमारे काफिया है। एरे भर के तन के अंदर देख क्रोध को कूप, अरे वो काली बन गए त्रिपुरारी। और काली कहां बने, क्योंकि रक्त बीज को मारने के बाद जब क्रोध काली क्रोध मैया का शांत नहीं हुआ तो भगवान शंकर उनके नीचे लेट गए, तो काली रूप मैया ने तब तो मैया ने धारण किया। और इधर भगवान शंकर के कहने से भगवान विष्णु ने नारी का रूप धारण किया जो विश्वमोहिनी थे। और इधर जब भगवान शंकर ने कहा कि जो काली का रूप मैया ने रखा था आपने शांत की थी, हे भगवान शंकर आप मुझे उस झांकी के दर्शन कराइए, तो वहां पर काली के दर्शन भगवान शंकर ने बन करके स्वयं भगवान विष्णु को कराए। क्या कहने बेटे, शंकर के कहने पे विष्णु ने, अरे शंकर के कहने पे विष्णु ने, शंकर के कहने पे विष्णु ने धरी मोहनी छवि निराली। शंकर के कहने पे विष्णु ने धरी मोहनी छवि निराली, तो इतु विष्णु के कहने से शंकर बन गए मैया काली। नरेंद्र प्रधान प्रखम वालों की तरफ से ये 500 रुपए का पुरस्कार आया है और हमारी माता जी ने ये स्वापी डाल करके और 11-11 रुपए का पुरस्कार सभी कलाकारों को दिया है। माता जी के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें सभी लोग। हाँ जी, इस जवाब को भी पवन गुरु बहुत दिन पहले दिया करते थे। इत शंकर के इत विष्णु के कहने से शिव बन गए मैया काली, बन गए। और 100 रुपए अंदर सोनी जी प्रखम बालों की तरफ से आया है, एक बार जोरदार तालियां बजाए। हाँ बेटा, अरे क्रोध से है रही है वो मैया रूप कुरूप, अरे क्रोध से है रही है, अरे क्रोध से है रही है मेरे भैया, क्रोध से है रही है, अरे क्रोध से है रही है वो मैया रूप को रूप। अब आगे कहना है, अब इसमें एक प्रश्न भी भाई के लिए छुपा हुआ है कि भगवान शंकर काली तो बन गए, लेकिन अखिलेश भाई मुझे लगता है शायद तुमने आगे का लेख पढ़ा या नहीं पढ़ा, ये मुझे नहीं पता,
अगर पढ़ाओगा तो जरूर लेकर के। और राजपुर वृंदावन से चल करके आए हमारे बहुत अच्छे गायक कलाकार भाई राम गोपाल चौधरी जी, 101 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। और हमारे गुड्डा भैया भी परखम वाले 20-20 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें सभी लोग। हाजी अब एक प्रश्न भी ऐसी बहर में दोबारा से लौटा करके रूप अनूप धर्यो है शिव ने, रूप अनूप धर्यो है शिव ने, पड़ गयो एक अड़वंगा। अनूप धर्यो है शिव ने, पड़ गयो एक अड़बंगा। और काली बन के शिव ने धरे का सर्प चंद्र और गंगा। अरे सर्प चंद्र और गंगा भैया, सर्प चंद्र और गंगा। जब सुनाइए तो पहलगाम पड़ता है, आपने भी देखा होगा वहां पे गंगा जी को उतारा है, एक भगवान शंकर की शादी हुए वहां पे उतारा है। अब मेरा प्रश्न आपसे वापस वेर में इतना ही है, अरे रूप अनूप धर्यो है शिव ने, पड़ गयो एक अड़बंगा। और काली बन के शिव ने धरे कहां सर्प चंद्र और गंगा। अब कहना है अरे बात है छोटी सी नाए सांची को स्तूप। हाजी गुरुदेव, बात है छोटी सी नाए सांची को स्तूप। काफिया भी बिल्कुल अलग आएंगे और मैं निवेदन करूंगा आकाश भाई कि काफिया बच कर के ही आए, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े लिखैया और गवैया मौजूद है। अंत में कहना है अरे नाकुदार तेरी पहरऊ खोलो दिल के अरमान। अरे नाकदार तेरी पहरू लड़ गई खोलो दिल के अरमान। पवन गुरु को आशीष मो पे कह रहे ओम वीर शर्मा, कह रहे ओम वीर शर्मा भैया, कह रहे ओम वीर शर्मा। पवन गुरु को काफिया किस तरह से घटाया जाता है देखेंगे लस भाई। कह रहे ओ मीरो शर्मा एरे एरे फटको सब दन्ने ले कविता रूपी सूप, एरे फटको सब दन्ने ले कविता रूपी सूप। चाहे कहना सबसे बढ़िया एरे रसिया कट कट हो, एरे रसिया कट कट के मेरे भैया रसिया कट कट हो, चैन करावे सवेरे। सही बात कर रहा है। एरे फटको सब दन्ने ले कविता रूपी सूप, अरे ये काली बन गए पाप।